राजकुमार राव से पहले इस एक्टर को ऑफर हुई थी भूतिया फिल्म स्त्री। आज फिल्म की सफलता देख लोगों ने कहा इस एक्टर को लेकर मेकर्स कर देते बड़ी गलती। राजकुमार राव नहीं थे फिल्म स्त्री 2 के लिए मेकर्स की पहली पसंद। फिल्म के टाइटल को लेकर भी हुआ बड़ा खुलासा। आज बताएंगे फिल्म की सफलता के पीछे का बड़ा राज। राजकुमार राव की बस एक बात ने बदल दी फिल्म स्त्री 2 की सफलता की पूरी कहानी। बनी बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म, लोगों पर चल गया स्त्री का जादू। श्रद्धा कपूर और राजकुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 ने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। देश भर में फिल्म की कमाई 386.66 करोड़ रुपए पहुंच गई है, जबकि दुनिया भर में फिल्म की कमाई का आंकड़ा 505 करोड़ के पार पहुंच गया है। हालांकि इस फिल्म की सफलता के पीछे के कई राज भी छिपे हुए हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ना तो इस फिल्म का नाम पहले स्त्री था और ना ही इस फिल्म में एक हीरो के तौर पर राजकुमार राव मेकर्स की पहली पसंद थे। जी हाँ, तो चलिए बता दें आपको कि इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानी। आपने क्या ये फिल्म देख ली है? अगर हाँ तो कॉमेंट में इस फिल्म के बारे में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और फेसबुक पे नए हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। दरअसल 6 साल पहले स्त्री फिल्म के जरिए निर्देशक अमर कौशिक ने डायरेक्शन की फील्ड में डेब्यू किया। इस हॉरर कॉमेडी का जादू फैंस के ऊपर जमकर चला और मूवी हिट साबित हुई। अब स्त्री के सीक्वल यानी कि स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस से लेकर सिनेमा घरों तक धूम मचा दी है और चारों तरफ स्त्री की चर्चा चल रही है। सवाल ये है कि फिल्म का नाम स्त्री कैसे पड़ा, किस शख्स ने इस टाइटल का सुझाव दिया। जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आई होगी तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर इसका नाम स्त्री क्यों है और इस नाम की ही वजह से लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इसका नाम स्त्री कैसे पड़ा। 2018 में निर्माता दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म के जरिए हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का आगाज स्त्री के जरिए हुआ। इस फिल्म के टाइटल के पीछे की एक रोचक कहानी है। ये जानकर हैरानी होगी कि पहले इस मूवी का नाम स्त्री नहीं था। दरअसल IMDB की रिपोर्ट के आधार पर मेकर्स ने इस फिल्म का नाम ओ स्त्री कलाना रखा था। बाद में फिर इस फिल्म के लिए राजकुमार राव की कास्टिंग हुई और उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो इसके बाद राजकुमार ने मेकर से टाइटल को छोटा करने और सिर्फ स्त्री रखने का सुझाव दिया था। इस तरह हिंदी सिनेमा में स्त्री का नाम दर्ज हो गया। और आपको बता दें कि राजकुमार राव से पहले ये फिल्म एक मशहूर अभिनेता को ऑफर हुई थी, जिन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था और फिर ये फिल्म राजकुमार राव को मिली। जी हाँ, चंदेरी की रक्षा बिट्टू यानी कि राजकुमार राव स्त्री फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे। उनके पहले निर्माताओं ने एक्टर आयुष्मान खुराना को ये ऑफर दिया था, लेकिन उनसे बात नहीं बनी और फिर जाकर ये फिल्म राजकुमार राव की झोली में गिरी। और इसके बाद तो हर कोई जानता है कि किस तरीके से राजकुमार ने अपने दमदार अभिनय के दम पर स्त्री और स्त्री 2 को सफल बना दिया है। दोस्तों, श्रद्धा और राजकुमार राव के अभिनय को लेकर आपकी क्या राय है? 5 स्टार में से आप इस फिल्म को कितने स्टार देते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे नए हैं तो इसे फॉलो जरूर कीजिए।